ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, दो चीजें जानने योग्य हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आने वाले अशुभ से प्रभावित नहीं होते। ये बात स्पष्ट समझ लेना। कई बात लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं, हमको पूछते हैं तब पता चलता है कि स्वामी जी हमने किसका बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब इससे निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलेगा। आप गाड़ी चलाने के लिए बैठे हो और हमेशा ट्रैफिक का कंप्लेन करते रहोगे तो जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते। अब ऐसी स्थिति है ना, अब इसमें से निकलना कैसा है? ऐसे विचार करना। ये अनावश्यक विचार मालूम है क्यों आते हैं? क्योंकि भूख नहीं लगी है। आपने देखा होगा घरों में छोटे बच्चे सुबह से बकरी के जैसे चरते रहते, ये खाओ वो खाओ ये खाओ वो खाओ। और भारतीय माताएं प्रेम माने बच्चे को खाना खिलाओ। अब उसको भूख है या नहीं है कोई पता, तो उसको जबरदस्ती से ला के बैठाएंगे, खाओ खाओ। अब वो भी उन्हीं का बच्चा है, वो देखता है डाइनिंग टेबल पर क्या नहीं है वो मांगेगा, क्योंकि भूख नहीं है ना। इसीलिए अध्यात्म की भूख जब लग जाती है तब हमारा ध्यान अपने तरफ होगा।